विद्यार्थियों, आज बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा क्वेश्चन है, पुष्य मित्र शुंग की उपलब्धियां कौन कौन सी रही, पुष्य मित्र शुंग कौन था, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसने राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, है पुष्य मित्र शुंग उन दिनों में मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त मौर्य। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त मौर्य अपने सेना का निरीक्षण कर रहा था। जब बृहदत्त मौर्य अपने सेना का निरीक्षण कर रहा था, उसी समय उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में सेना का निरीक्षण कर रहे बृहदत्त मौर्य की हत्या उसी की सेना के सामने कर दी। इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना 321-22 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की और 184 ईस्वी पूर्व में मौर्य राजवंश का अंत हुआ और शुंग वंश की स्थापना 184 ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण है पुष्यमित्र शुंग ने की। तो पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों में पहले पहले पॉइंट का हेडिंग डाल देना है शुंग वंश की स्थापना। इसमें आपको प्रिय विद्यार्थियों लिखना है, पुष्यमित्र शुंग अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में प्रारंभिक दिनों में एक साधारण सा सैनिक था। अपनी योग्यता अपनी प्रतिभा के बल पर है धीरे धीरे वह मौर्यों के सेनापति के पद पर आसीन हुआ। बृहदत्त मौर्य का सेनापति था 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के पश्चात उसने महान शुंग राजवंश की स्थापना की। पॉइंट नंबर दो, दूसरा पॉइंट ले लेना, यवनों के आक्रमणों को रोकना। प्रिय विद्यार्थियों, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में भारत पर विदेशी जाति यवनों के दो आक्रमण हुए। वापस सुनना, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में विदेशी यवनों के भारत पर दो बार आक्रमण हुए। पहला यवन आक्रमणकारी था डिमेट्रियस। पुष्यमित्र शुंग ने है यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस को पराजित किया और दूसरा यवन आक्रमणकारी था मेनांडर। मेनांडर का दूसरा नाम था मिलिंद। पुष्यमित्र शुंग ने मेनांडर मिलिंद को भी पराजित किया। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने दोनों यवन आक्रमणकारियों को पूरी तरह से पराजित किया और दूसरी बार वे भारत की ओर आंख उठाकर भी उसके शासनकाल में नहीं देख पाए। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया, भारत को गुलाम होने से बचाया, यह उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तीसरा पॉइंट ले लो, विदर्भ को जीतकर अपने साम्राज्य में शामिल करना। विदर्भ का शासक था यज्ञसेन और विदर्भ के शासक यज्ञसेन ने पुष्यमित्र शुंग की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। यहां तक कि अब वह पुष्यमित्र शुंग को युद्ध की धमकी देने लगा। पुष्यमित्र शुंग की सेना ने विदर्भ पर आक्रमण किया, यज्ञसेन युद्ध में मारा गया और विदर्भ को जीतकर अपने उत्तर भारत पाटलिपुत्र के साम्राज्य में शामिल कर लिया। अगला पॉइंट ले लो प्रिय विद्यार्थियों, पुष्यमित्र शुंग में ब्राह्मण धर्म को राजकीय धर्म प्रदान करना या ब्राह्मण धर्म को राजकीय धर्म घोषित करना। प्रिय विद्यार्थियों, मौर्यों के शासन काल में अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म का वर्चस्व बौद्ध धर्म का बोलबाला बढ़ने लगा और ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व ब्राह्मण धर्म का महत्व कम हो गया है। ब्राह्मण समाज में उपेक्षित हो गए, बौद्धों का महत्व ज्यादा बढ़ गया। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, उसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया। ब्राह्मणों का महत्व समाज में पुनः बढ़ने लगा है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने पुनः सम्मानित स्थान पाया। अगला पॉइंट ले लीजिए आप, अन्य धार्मिक क्षेत्र में पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। इसमें आपको लिखना है, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था,
पुष्यमित्र सुंग ने ब्राह्मण धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया, लेकिन साथ ही साथ अन्य धर्मों को मानने वालों को भी पर्याप्त धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था, है? किसी भी धर्म पर, किसी भी धार्मिक संप्रदाय पर पुष्यमित्र सुंग ने किसी भी प्रकार के अत्याचार नहीं किए। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ इतिहासकार कहते हैं पुष्यमित्र सुंग है बौद्ध धर्म का घोर शत्रु था। इतिहास में आपने पढ़ा है, मैंने भी आपको कक्षा कक्ष में पढ़ाया है, पुष्यमित्र सुंग ने साकल पहुंचाए। पुष्यमित्र सुंग साकल पहुंचा और साकल में पहुंचते ही है उसने घोषणा की है कि अशोक ने कितने बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, उत्तर मिला 84,000। और पुष्यमित्र सुंग ने घोषणा की, मैं अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दूंगा। साथ ही साथ उसने साकल में घोषणा की, जो भी भारतीय मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर लाके देगा उसे मैं 500 दिनार, दिनार क्या था, चांदी का सिक्का, मैं उसे एक बौद्ध भिक्षु के सर के बदले में 500 दिनार, 500 चांदी के सिक्के उपहार इनाम में दूंगा। ऐसा कहना था। अब भारतीयों को क्या चाहिए कि बस एक बौद्ध भिक्षु का सर लेना और 500 चांदी के सिक्के मिलेंगे। अब क्या था, भारत में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे, हैं इतने बौद्ध थे, इतने बुद्धिस्ट थे, जैसे बुद्धिस्ट गली और मोहल्ले से निकलता भारतीय उसके पीछे दौड़ते, बुद्धिस्ट को घिराते नीचे, उसकी गर्दन काट देते और रोज पुष्यमित्र के पास या उसके सेनापतियों के पास हैं बौद्ध भिक्षुओं की गर्दनें मुंडिया ले जाकर देते और उसके बदले में पैसे लेते थे। बौद्ध भिक्षु डर गए, बौद्ध भिक्षु घबरा गए, अरे हमें क्यों मारे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा, अरे पुष्यमित्र सुंग आप हमारी हत्या क्यों करवा रहे हो। प्रिय विद्यार्थियों, यह बात केवल बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और तिब्बत का इतिहासकार है तारानाथ कह रहा है। इतिहासकार तारानाथ और दिव्यावदान ने इस प्रकार की बात फैलाई कि पुष्यमित्र सुंग ने साकल में घोषणा की, जो व्यक्ति मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सर लाके देगा उसे मैं 500 दिनारे इनाम में दूंगा। अन्य इतिहासकार इस बात की विवेचना नहीं करते। अन्य इतिहासकार लिखते हैं पुष्यमित्र सुंग ने बौद्ध धर्म के साथ समानता का व्यवहार किया, उन्हें भी पर्याप्त धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। प्रिय विद्यार्थियों, पुष्यमित्र सुंग उन बौद्ध भिक्षुओं के प्रति कठोर हुआ जो यवनों से जाकर मिल गए थे। जो बौद्ध भिक्षु पुष्यमित्र सुंग के विरुद्ध है यवनों से जाकर मिल गए थे वे बौद्ध भिक्षु देशद्रोही थे। उन्हीं देशद्रोही बौद्ध भिक्षुओं का सर काटने का आदेश पुष्यमित्र सुंग ने दिया और यह कार्य गलत भी नहीं है। देशद्रोहियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और पुष्यमित्र सुंग ने बौद्ध धर्म के साथ अच्छा व्यवहार किया। मध्य प्रदेश के सतना में एक बरहुत का बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है और इस बरहुत के बौद्ध स्तूप का अत्यधिक विकास है पुष्यमित्र सुंग के शासन काल में हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं आगे। प्रिय विद्यार्थियों, चलो बरहुत में एक बात और सुनना है। बरहुत का जो बौद्ध स्तूप था है, इस बौद्ध स्तूप में रेलिंग, लकड़ी की रेलिंग किसने बनवा दी है, पहले बनी हुई थी पत्थर से और उसमें लकड़ी की रेलिंग है किसके समय में बनी, पुष्यमित्र सुंग के शासन काल में बनी, इससे उसकी आकृति दुगुनी हो गई। यह सब क्या था, पुष्यमित्र सुंग की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक। अगला पॉइंट लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हैं अगला पॉइंट ले लो आप, यह हो गया धार्मिक क्षेत्र में उपलब्धियां। पुष्यमित्र सुंग के समय में अलग है, आगे ले लो आप, हैं स्त्रियों की दशा में सुधार। प्रिय विद्यार्थियों, पुष्यमित्र सुंग के शासन काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी। स्त्रियों को समाज में पर्याप्त मान सम्मान था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था और स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई।
है, मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक मनु है, और मनुस्मृति में कहा गया है जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है उसी घर में लक्ष्मी निवास करती है, उसी घर में सुख निवास करता है, वही घर दिनों दिन उन्नति करते जाता है। और जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता है, लक्ष्मी वहां निवास नहीं करती, सुख और समृद्धि उस घर से चली जाती है। और मेरा भी प्रिय विद्यार्थियों यही मानना है, प्रत्येक घर में स्त्रियों का, कन्याओं का पर्याप्त मान सम्मान होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार शुंग काल में स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी, समाज में उन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था, है? ये हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, है साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां। साहित्य क्षेत्र में आपको लिखना है, शुंग काल में संस्कृत भाषा लोक भाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित हुई। संस्कृत भाषा का वर्चस्व बढ़ने लगा, और इसी काल में मनु ने संस्कृत भाषा में मनु स्मृति की रचना की, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। मनु कहता है, है एक अच्छा आदर्श पुरुष वही है जो संस्कृत भाषा को आसानी से बोल सकता है। संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हुआ, देश के बहुत सारे लोग भी अब आसानी से संस्कृत भाषा बोलने लगे। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग के काल में संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई। प्रिय विद्यार्थियों अगला कर देना, पुष्यमित्र शुंग में है हिंदू धर्म, वैदिक धर्म पुनर्स्थापित होना। प्रिय विद्यार्थियों पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापित हुआ, हिंदू धर्म पुनर्स्थापित हुआ। क्यों? क्योंकि अशोक के काल में केवल बोध और शुंगों के शासन काल में है हिंदू समाज, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। शुंग के शासन काल में पुनः चारों आश्रमों का पालन किया जाना अनिवार्य कर दिया। मनु ने और पतंजलि ने एक नियम बनाया, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को चारों आश्रमों है कौन कौन से आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का पालन किया जाना अनिवार्य है। वापस समाज में वैदिक कालीन चार पुरुषार्थों की स्थापना हुई, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी भी पुनर स्थापना हुई। इस प्रकार शुंग काल में ब्राह्मण धर्म की पुनर स्थापना, हिंदू धर्म की पुनर स्थापना, चारों आश्रमों का प्रचलन शुरू हुआ, चारों पुरुषार्थों की पुनर स्थापना हुई, यज्ञों का महत्व वापस स्थापित हुआ। क्यों? क्योंकि अशोक के काल में मौर्य काल में यज्ञों की प्रतिष्ठा कम हो गई थी, और शुंगों के काल में यज्ञों की प्रतिष्ठा पुनर स्थापित हुई। इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में हिंदू समाज के क्षेत्र में भी पुष्यमित्र शुंग की महान उपलब्धियां रही। अश्वमेध यज्ञ करने की परंपरा पुनः प्रारंभ हुई, खुद पुष्यमित्र शुंग ने, स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किए, और इस यज्ञ के पुरोहित ब्राह्मण कौन थे? पतंजलि। पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ लिखा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमणों को रोका, देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना की, मजबूत शासन प्रणाली की स्थापना की। यह थी प्रिय विद्यार्थियों शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान से याद रखना। तो उपलब्धियां मैंने बता दी है, पहली उपलब्धि मैंने कौन सी बताई है? महान शुंग राजवंश की स्थापना। दूसरी उपलब्धि कर देना आप, यवनों के आक्रमणों से भारत की रक्षा करना। तीसरी उपलब्धि कर देना, विदर्भ को जीत कर अपने साम्राज्य में शामिल करना। अगली कर देना राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियां, बाद में कर देना धार्मिक क्षेत्र में उपलब्धियां, उसके पश्चात कर देना हिंदू समाज में उल्लेखनीय उपलब्धियां, और उसके बाद हो जाएगा है
छोटी बड़ी उपलब्धियां स्त्रियों के मान सम्मान वगैरह में ये सारी क्या हो जाएगी, पुष्यमित्र शुंग की महान उपलब्धियां। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज मैंने आपको एक क्वेश्चन की विवेचना की जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। क्लियर? तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पूछा जाए दो नंबर का सवाल, तो उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र है। और इसकी एक उपाधि कौन सी थी, इसकी उपाधि थी सेनानी। सेनानी मतलब सेनापति। यह किसका सेनापति था, भरद्वाज मौर्य का सेनापति था। सास और पूरे भारत में यह सेनानी के नाम से प्रसिद्ध था, लोग उसे सेनानी 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 कहते थे। चूंकि वह सेनानी नाम से लोगों में अधिक लोकप्रिय था, इसलिए शासक बनने के बाद भी उसने अपनी उपाधि कौन सी बनाए रखी, अपनी उपाधि सेनानी बनाए रखी। ये याद करना आप प्रिय विद्यार्थियों, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां। आज मैं आपको एक प्रश्न की बहुत ही है विस्तार पूर्वक विवेचना कर ली है। वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और बार बार देखकर इसको याद रखना। कल मैं एक नए प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। ठीक प्रिय विद्यार्थियों, धन्यवाद, थैंक यू।